अब जो बंदा दाल रोटी मांगता है, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, बहुत लंबी मीटिंग थी, मगर दो मिनट रिव्यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे एडवोकेट साहब हैं, टाइम आई लगा के मेरे को टाइम वाले करना है। तो हमारी बात ये चल रही थी, जब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से मांगते हैं तो हाथ जोड़ के पूजा करके मांगते हैं, भगवान मेरी दाल रोटी सही से चल नहीं देने, मेरी सही जिंदगी चल रही है, मेरी दाल रोटी चलने देना, इसके अलावा कुछ मांगते हैं क्या? हम भगवान से मांगते हैं दाल रोटी, उसके बाद क्या करते हैं? जब दाल रोटी मांगते हैं फिर भगवान को गाली देते हैं, भगवान इसके पास तो बड़ा बंगला, इसके पास ये, मेरे को कुछ नहीं दिया। यस, जब हम भगवान से मांगते ही दाल रोटी है तो क्या उससे ज्यादा दे सकता है वो? क्यों? क्योंकि हमने हमारी औकात जो है, हमारी हैसियत भगवान के सामने, हैसियत हमने प्रूफ कर दी कि भगवान मैं सिर्फ दाल रोटी खाने लायक हूँ, मेरे को दाल रोटी दे, इससे ज्यादा झेलने लायक मैं नहीं हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज बोलता हूँ कि मेरी दाल रोटी अच्छी चलने दे, तो वो ज्यादा क्यों देगा? क्योंकि हम तो प्रूफ कर रहे हैं सवेरे उठते ही कि इससे ज्यादा हैसियत मेरी नहीं है। भगवान को रोज बोलते हैं मेरी हैसियत नहीं, हैसियत नहीं है, और बाहर निकल के बोलते हैं मंदिर के बाहर के साहब मेरे को तुमने कुछ दिया नहीं। अब जब हम 50 रुपए का घड़ा खरीदते हैं, 50 से 60 रुपए का जो घड़ा खरीदते हैं, उस घड़े को हम ठक 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 बजा के देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? क्यों बजाते हैं उस घड़े को? क्यों बजाते हैं? कि उसके अंदर मैं पानी डालूंगा और वो पानी को झेलने लायक है कि नहीं है। यस, हमारा और कोई मकसद होता है? अब क्या हमने ये सोचा, अगर हमने ये घड़ा बना लिया कि मेरे को करोड़पति बनना है और भगवान को उसमें पानी डालना है, क्या बजा के नहीं देखेगा कि इसकी हैसियत है नहीं है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने ऐसे ही दे दिया बिना बजाए हुए, उन्होंने एक साल में खत्म कर दिया। यस, ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। तो क्या हमें लगता है कि हम अपनी औकात बनाए बगैर, हमारी हैसियत बनाए बगैर क्या हमें पैसा आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान देगा ही नहीं ना हमें। आएगा कैसे? भगवान देगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये तो कच्चा घड़ा है, या तो साला खुद मर जाएगा या किसी को मार देगा। ये तो कच्चा घड़ा है, पानी को फैला देगा वहां पे, तो कच्चे घड़े को कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और घड़े को पकने के लिए क्या करना पड़ता है जी? पहले तो कुम्हार की मार खानी पड़ती है, उसके बाद आग में झुलसना पड़ता है, और आग में भी फ्रंट में झुलसना पड़ता है, जो सबसे बाहर घड़ा होता है वही कच्चा होता है जी। जो सबसे बाहर की रेत में लगता है वो कच्चा होता है, असली घड़ा तो वही होता है जो फ्रंट में सबसे पहले लगता है, सबसे पहले चिंगारी लगती है और सबसे लास्ट तक उसको चिंगारी लगती रहती है, वो सबसे बड़ा घड़ा होता है। और हम अगर ये सोचे कि मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को बहुत सारा पैसा हो जाए, और हम अगर चिंगारियों से भागते रहेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कच्चे घड़े के अंदर पानी डाला भी जाता है ना।